रोल नंबर दो आया हूँ मैडम जी। बैठ जा। रोल नंबर तीन हाँ मैडम जी। बैठ जा। रोल नंबर चार आया हूँ मैडम जी। बैठ जा। रोल नंबर पाँच आया हूँ मैडम। रोल नंबर छह यस मैडम। रोल नंबर सात। रोल नंबर आठ। अरे उठो बैठ जा। रात्रि रात्रि जुकाम के हड़ो हो गए। चलो आजकल स्वच्छ अभियान चल रहा है। मैं आपको स्वच्छ अभियान के बारे में कुछ बताती हूँ। सफाई क्या है कौन बताएगा? मैडम जी मैं। खड़ा हो रहे जो है सुबह ना के आते हैं सफाई करते हैं। चल बैठ जा। और कौन बताएगा? मैडम जी मैं। खड़ा हो जा। जो धूमसा जाते हैं उसे सफाई कहते हैं। चल बैठ जा। और कौन बताएगा? मैडम जी मैं। खड़ा हो। जो हम झाड़ू लगाते हैं उसे सफाई कहते हैं। चल बैठ जा। और कौन बताएगा? मैडम जी मैं। जा रहे विकास। खड़ा हो। जो पोछा लगाते हैं उसे सफाई कहते हैं। चल बैठ जा। तुम पोछा ही लगाओ लो। और कौन बताएगा? मैडम जी मैं। खड़ा हो। मैडम जी सदा वहां सुपर बोतल ले जा रही हूं सफाई के लिए। चल बैठ जा। ढीठ का आओ तो हाथ को नहीं। मैडम जी और क्या बताओ? चलो अब मैं बताती हूं। हमारे आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखना तथा खुद की स्वच्छता रखना ये साफ सफाई है। मैडम जी छुट्टी का टाइम हो गया। जा रहे पंकज घंटी बजा दे। चलो देश स्वच्छ हो जाएगा अच्छी बात है। अरे पंकज बेटा जाके नाले। माँ सुबह तो ना आया था। अरे बेटा पंकज नाले आज तो नहीं आ गया। पिताजी कल तो नहीं आया था। नहीं पिताजी आया था कल भी नहीं आया। सेदा ना आया। ये 15 दिन हो गए। दीदी तो सही बोल रही है दीपावली के बाद ना आया ही नहीं। पिताजी इस दीदी के कपड़े तो देखो कितने गंदे हैं। लगता है होली के बाद में धोए ही नहीं है। उसे रोज रोज कपड़े धोते हैं क्या? जाओ उस नौकरानी को बुला। माँ ये नौकरानी कुछ करती तो नहीं। साक्षी ओ साक्षी। बोलो मालकिन चाय बनाओ क्या या चाय में फिर से कुछ कमी रह गई? कुछ काम तो करती रहती नहीं है रोजाना सोचती रहती है। सारे दिन काम ही तो करती हूँ बस थक जाती हूँ तो थोड़ी देर सो जाती हूँ। आप लोग ही सारे दिन चाय चाय करते रहते हो। ये बर्तन भी तो गंदे पड़े हैं। कब साफ किए थे? पिछले सोमवार को ही तो किए थे। चाय मंगाई तो फिर से गंदे हो गए। हे भगवान पिछले सोमवार को मैं ऐसी नौकरानी को निकाल दो काम से। निकाल दो निकाल दो। मैं भी थक गई हूँ। जब भी सोती हूँ ना तो कोई ना कोई आके उठा देता है। ऐसे करेंगे जाके तू चाय बना के ले लेके आती हूँ। बाल के गुस्सा का जरा एक बार डांस तो देख लो। दो तोले की मुंदरी ला दे तीन तोले का कंगना मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भारत को स्वच्छ बनाओ, लेकिन मुझको लगता है अगर हम अपने घर तथा गली से साफ करना शुरू करेंगे तो पूरा भारत स्वच्छ हो जाएगा। आपको कैसा लगा? सही बात है। मैं तो आज से स्वच्छता अभियान चालू कर रहा हूँ। और आप लोग पायदा घुमा आज से मैं रोजाना रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड बेटा।
अगर नहाने की बात है तो मैं भी आपके साथ हूँ। अगर यही बात है तो मैं भी आपके साथ हूँ। अगर इस बात से आप सब लोग सहमत हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ। तो लग जाओ आप सब अपने अपने काम में। पिताजी पिताजी मुझे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। जा बेटा। बता बेटा क्या समस्या है तुझे? पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। एक कंपाउंडर इसको चेकअप करने के लिए अंदर लेके जा। अरे ये क्या रिपोर्ट है? तू तो भयंकर बीमार है। क्या हुआ मुझे? बेटा ढूंढने की कोई बात नहीं है, तुझे डेंगू है। डेंगू? डेंगू? हाँ मुझे। हाँ ये डेंगू किससे होता है? ये डेंगू मच्छर काटने से होता है बेटा। मच्छर किससे होते हैं? मच्छर जब हम अपने आसपास सफाई नहीं रखते उससे मच्छर फैलते और मक्खियाँ पैदा होती है, इनसे हमें अनेक रोग होते हैं। लेकिन हम तो सफाई रखते हैं घर पर। चल तेरे घर देखता हूँ क्या प्रॉब्लम। आधा कंपाउंडर चलते हैं। कंपाउंडर बांस आ रही है घर आगा। अरे वाह बेटा, घर के अंदर तो बहुत सफाई रखती हो। हम कह तो देते हैं घर के अंदर सफाई रहती है परंतु बाहर नहीं रखते हैं। हम घर के अंदर पोता देते हो, घर का पानी बाहर फेंक देते हैं, इसलिए कहते हैं हम घर के अंदर सफाई रखते हैं। हाँ सब तुम सही कह रहे हो, हमारा ध्यान तो कभी गया ही नहीं। चल बेटा हम चलते हैं। आधा कंपाउंडर। अरे ये साहब सही कह रहे हैं, हमें घर की बाहर की भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। गुरु प्रज्ञा परिवार का ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और भी अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड आइकन को दबा के इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे अगर नया वीडियो आए तो आपको प्राप्त हो जाए।